एक, दो, तीन, चार, ठीक है। अब पांच, छह लोग, ओ यू आर फ्रॉम टाइगर पैलेस, राइट? सो छह, राइट? सो द फैक्ट इज वेरी सिंपल, 150 लोगों के रूम में जहां पे बिजनेस ओनर्स बैठे हुए हैं, वहां पे छह लोगों की की ऐसी वेबसाइट है जहां पर ट्रांसपेरेंटली हर एक पॉलिसी कम्युनिकेटेड है। दैट्स माय चैलेंज। अगर आज टाइगर पैलेस की वेबसाइट पर ये सारी पॉलिसीज ट्रांसपेरेंटली कम्युनिकेटेड है ना, एज अ कस्टमर मुझे कभी डर नहीं लगेगा इनकी इनका बुकिंग कराने में, कभी डर लगेगा नहीं। पॉलिसी है ना, क्लियर है, नहीं एक्सेप्ट करूंगा तो मेरी प्रॉब्लम। इट हेल्प्स। नेक्स्ट, यू टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस प्योरली बेसिस ऑन AARRC डैशबोर्ड। इस क्वेश्चन को अभी आप छोड़ दीजिए, आपको जब समझाऊंगा तब समझ आएगा। नंबर एट, यू आर 100% क्लियर अबाउट द मार्केट डिफरेंशिएशन एंड वैल्यू दैट यू ब्रिंग वर्सेस योर कंपेटिटर्स। कॉम्पिटिशन क्या कर रहा है, तो क्या मार्केट में वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है वर्सेज आप क्या कर रहे हो, क्या आप इसमें 100% क्लियर हो? 100% एकदम, मेरे को पता है भाई मैं ये कर रहा हूं, तो मुझे ज्ञान मान ले, मुझे पता है मैं ये कर रहा हूं। अगर आप हो तो अपने को 10 नंबर देना, और नहीं हो तो मत देना। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि अगर आप क्लियर नहीं हो तो आपके एम्प्लॉइज डेफिनेटली क्लियर नहीं है, आपकी सेल्स टीम तो पक्का क्लियर नहीं है, तो सेल्स बढ़ेगी। और अगर सेल्स टीम क्लियर नहीं है और आप क्लियर नहीं हो, आपको लगता है आपका कस्टमर क्लियर होगा? सेल्स बढ़ेगी। आपने जो करना है कर दो, आप पारितोष को बुलाओ या बिल गेट्स को बुलाओ, हाउ डज इट मैटर? सेल्स ही हो सकती है, अनलेस एंड अंटिल दिस हैपेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यू नो योर कस्टमर्स डीपली वेल। अब यहां पे एक क्विक काम करते हैं, कोई भी एक इंसान ऐसी हाथ खड़ा करके मुझे बताए उनका कस्टमर कौन है। एनीबॉडी यू वांट टू ट्राई, जस्ट गिव इट अ ट्राई, हाथ खड़ा कि सर आपका कस्टमर कौन है? आपका कस्टमर पॉलिसी होल्डर है, इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर, ठीक है, ओके। आप थैंक यू सो मच सर। सर इन द वाइट शर्ट, विल गेट अ माइक टू यू सर, ये आ गया, इट्स राइट देयर। थैंक यू कृष्णा भाई, थैंक यू सो मच सर, प्लीज गो अहेड। सर मैं जहां भी अपना पैसा दे रहा हूं जिसको, तो वो भी मेरा कस्टमर बन सकता है, तो वो भी मेरा कस्टमर है। राइट नाउ मैं टाइगर पैलेस में हूं, तो मैं यहां पे करा, तो वो भी मेरे लिए मेरे पोटेंशियल कस्टमर है सर। थैंक यू। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच सर। किसी ने हैंड रेस किया था यहां पे? अच्छा पहले थैंक यू, मैं हरीश सेठिया, मेरा कोई प्रोडक्ट नहीं है, मेरे कस्टमर कोई नहीं है, मैं जिसको बेच दूंगा वो भी मेरा कस्टमर है। ठीक है, फेयर एंड वेलकम टू यू सर। मैम, ऑल द पीपल हु आर इन दिस हॉल राइट नाउ, including you, all are my customers right now. Interesting. Fair answer. Sir, in the red shirt. Krishna sir, ye samne red shirt mein. Whoever trusts me, they are the customers. Whoever trusts me, हाँ. those are the customers. अच्छा, ठीक है. चल, anyway, छोड़ो. I'll come to you, sir. Sir. I'm dentist, so my customers is patient. ठीक है, तो आप डेंटिस्ट हैं, जिसके दांत खराब हैं वो आपके पास आ सकते हैं। ओके ठीक है जी, वेरी गुड। एनीबॉडी एल्स हु वांट्स टू टेक अ डिग? कृष्णा सर पहले मैम को दे दीजिए, एंड देन सर, एंड देन वी विल क्विकली टेक इट फॉरवर्ड। So we are a noodle and snack company. Sure. So our customers would be somebody who prefers quick and convenient snacking options. Interesting. Your customers could also be B2B. Yeah, totally. Right. B2B and B2C both. Fair enough. Fair quick enough. And convenience is makes a lot of sense. Okay, sir. We are manufacturers, so our end users will be the end users or the customers buying a single pair of a product that they use. ठीक है, fair enough. You know, इस पूरे hall में fundamentally सिर्फ 3 pitches ऐसी थी जिनमें मुझे फेयर लेवल ऑफ क्लैरिटी दिखी, मतलब फेयर लेवल मैं उसमें 7 या 7 से ज्यादा नंबर दे सकता हूँ। वन इज व्हाट शी सेड, वेरी क्लियर, यार जिसको कन्वीनियंस चाहिए, क्विक स्नैकिंग चाहिए, वो मेरा कस्टमर है, सिंपल, राइट? ऑफ कोर्स वो और ब्रांड्स का कस्टमर हो सकता है, बट वो इनका कस्टमर है ही, दैट्स फॉर श्योर, जिसको आप थोड़ा और इसको रिफाइन कर सकते हो। चैलेंज यहाँ पे पता है क्या है? अगर आप लोगों की कस्टमर की डेफिनेशन ऐसी है, ऑफ कोर्स
मैम ने जो टाइगर पैलेस के बारे में बोला वो बहुत प्यार था. हर इंसान जो यहाँ बैठा है वो मेरा कस्टमर है. यू नो तो शी डिड द स्मार्टेस्ट थिंग अराउंड दैट एनीवेज राइट. बट आप लोगों की कस्टमर की डेफिनेशन क्लियर नहीं है सर. हर एक पॉलिसी होल्डर आपका कस्टमर नहीं है. हर एक पॉलिसी होल्डर आपका पोटेंशियल कस्टमर है. तो पोटेंशियल तो पूरी दुनिया आपकी कस्टमर है भाई. लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस सबको चाहिए. सारी दुनिया आपकी कस्टमर, पूरा नेपाल आपका कस्टमर है? नहीं है. नो इट डजंट वर्क लाइक दैट. और अगर आपकी डेफिनेशन ऐसी है, आपकी टीम की डेफिनेशन कितनी खराब होगी सोचो. और प्लीज इसको अपने ईगो पर मत लीजिएगा. आप लोग मुझे भी गलत बोल सकते हैं, मैं भी गलत हो सकता हूं. सो डोंट टेक इट ऑन योर ईगो. All that I'm showing you is a mirror. Customer ki definition has to be dead clear. Main aapko samjhata hu, bahut simple. Mera customer wo hai jo apna business kar raha hai aur jiska kam se kam saal ka turnover hai 2 crore rupees. Simple. Ab jiska nahi hai wo mera customer nahi. It has to be that clear. It has to be that clear. आपकी डेफिनेशन में अगर नंबर्स नहीं आ रहे, नंबर्स, then there is something wrong with it. With you. अब नंबर्स could be age, नंबर्स could be for example sir. आपने कहा हर जो इंसान जूते पहनते हैं सारे हैं आप, you know, as females as males, he all wear shoes, अलग अलग प्रकार होंगे सारे आपके कस्टमर्स हैं. नहीं, आप you could have been very very specific. कि मेरा हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट एक्स है जिसका सही कस्टमर वो है जो 18 से 20 साल की एज का है और जो इतना पैसा खर्च करता है जूते या बूट खरीदने. दैट्स योर कस्टमर. हर कोई आपका कस्टमर हो या लॉजिकली स्पीकिंग में तो हर एक का हर कोई कस्टमर है ना. बट दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स. अब वो सर ने एक बड़ी अच्छी बात बोली. उन्होंने कहा यार मैं जिसको पैसा दे दूं वो मेरा कस्टमर है. दे दो सर, छोड़ो मैं क्लास खत्म कर रहा हूं, आप मुझे दे दो. सीरियसली यार ऐसे नहीं होता है. इट डजंट वर्क दैट वे. अपने कस्टमर की डेफिनेशन बिल्कुल प्रिसाइज होनी चाहिए. मैं इस पे जितना टाइम स्पेंड करूं उतना कम है. अगर आपकी डेफिनेशन ऐसी है आपकी टीम की बहुत ही खराब होगी, आप आगे नहीं बढ़ सकते. आई एम सॉरी, सेल्स नहीं बढ़ सकते. मैंने आपको कहा था मैं आपको फालतू की मोटिवेशन नहीं देने आया. आई हैड टू करेक्ट यू इन विच वे तरह क्या है. आगे बढ़ते हैं. यू नो You have a clearly documented GTM plan and you stick to it. GTM का मतलब होता है go to market. आपका GTM plan क्या है? जैसे for example, noodles, right? आपका GTM plan हो सकता है कि आप online जैसे sell करें and you directly reach the customer. या आपका GTM plan हो सकता है then you have distributors and then you have retailers and then you have आप या तो I don't know यहाँ पे नेपाल में आधे सुपर बाप के साथ whatever formats, right? आप वहाँ पे अपने noodles एकदम सामने रखें. हो सकता है जीटीएम प्लान ऐसा हो कि पारितोष अभी हमें B2C जाना ही नहीं है, हमें सिर्फ रिटेलर्स से जाना है. आपका जीटीएम प्लान कौन डिसाइड करेगा? आप ही डिसाइड करोगे अपने कस्टमर की क्लैरिटी लेकर. मेरे लिए सबसे प्रॉफिटेबल कस्टमर कौन है, सबसे कम कॉस्ट में कौन सा कस्टमर आ रहा है, मैं उसको टारगेट सबसे पहले करूंगा. ऑफकोर्स क्योंकि अगर मैं सबसे महंगे कस्टमर को टारगेट करना शुरू कर दिया तो भाई मेरे को पैसा रेज करना पड़ेगा ना. पहले आई विल हैव टू रेज मोर मनी. उतना टाइम लगेगा, जितना टाइम लगेगा उतना मैं मार्केट में लेट पहुंचूंगा. उतने में अगर मेरा कोई कंपेटिटर पहले पहुंच गया तो मैं गया बिजनेस गया. कौन सी सेल्स? फिर छोड़ो बारे में उसको, आगे बढ़ते राइट. समझे बाप, ये जो शीट बनाई हुई है दिस इज अ गोल्ड माइन. आई एम नॉट किडिंग यू. 14 साल एक्सपीरियंस मैंने अपना पूरा शीट पे डाला हुआ है. इट्स नॉट अ जोक. इट इज नॉट अ जोक. आप लोग इसको जितनी सीरियसनेस के साथ ले सकते हैं प्लीज लीजिएगा. अपने बच्चों को दीजिए अगर आप प्योर टीच दे एंटरप्रेन्योरशिप. दिस इज रियल. नेक्स्ट, यू आर ऑलवेज लुकिंग टू ऑटोमेट मोस्ट सिस्टम्स इन योर कंपनी. ऑटोमेशन, अगर आप एक्टिवली सोचते हैं कि मैं अपनी कंपनी के सारे सिस्टम्स और प्रोसेस को ऑटोमेट कर दूंगा या कर दूंगी, ग्रेट. गिव योरसेल्फ 10, अदरवाइज गिव योरसेल्फ 0, 1, 2, व्हाटएवर यू वांट. क्योंकि ऑटोमेशन इज द ओनली वे स्केल हैपेंस. यानी ऑटोमेशन एक ऐसा तरीका है जिससे गाड़ी स्केल आता है पर नहीं आएगा. आप इंसान लेकर नूडल्स या आप इंसान लेकर जूते नहीं बना सकते स्केल पे. इट विल नेवर वर्क राइट. आप हमारी कल एग्जैक्टली यही वाली बात हो रही थी रात को बैठ के. दैट्स इज द वे इट वर्क्स. नेक्स्ट, यू आर एबल टू अट्रैक्ट स्मार्ट पीपल टू योर कंपनी. मैं जब यहां नेपाल आ रहा था तो मुझे
मुझे कृष्णा भाई ने और राज भाई ने एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम बताई. कहते नेपाल में यहाँ लोग नहीं दिखते, यहाँ पे टैलेंट नहीं दिखता, यहाँ पे लोग आते हैं थोड़ा बहुत काम सीखते हैं, थोड़ी और अच्छी सैलरी मिल जाए निकल लिए, है ना. हाँ बहुत सारे लोग पीछे बैठ के दो मैसेज देते हैं. आई एम श्योर इट्स अ प्रॉब्लम, बट इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे वी कम टू इट. अभी आप बस इतना अपने आप पर नंबर दीजिए, ये आपकी रिपोर्ट कार्ड है, आपके एम्प्लॉय की नहीं है, ये आपकी है, आपकी इंडिविजुअल की रिपोर्ट कार्ड है कि मैं एक फाउंडर हूं अपनी कंपनी का, आई एम द सीईओ, आई नीड टू फिल इट अप फॉर माय सेल्फ. ठीक है भाई लोग, लास्ट क्वेश्चन. यू होस्ट एन एनुअल शेयर होल्डर्स मीटिंग, कितने लोगों ने वॉरेन बफेट का नाम सुना है? सॉरी आई तो पूछूंगी सर, कितने लोगों ने वॉरेन बफेट का नाम सुना है? सभी लोगों ने सुना होगा यार, वॉरेन बफेट इज लाइक द मास्टर, द गुरु एंड ऑल दैट, राइट. वॉरेन बफेट साहब क्या पूरे साल बैठ के सेल्स करते हैं? क्या पूरे साल बैठ के मार्केटिंग करते हैं? नहीं करते. कभी देखे उनको ये करते हुए? नहीं. सिर्फ एक काम करते हैं, हर साल एक एनुअल शेयर होल्डर्स मीटिंग करते हैं, एक मीटिंग. क्यों? भाई उनकी सेल है, भाई उनकी मार्केटिंग, भाई उनका सब कुछ है. पूरे साल शांति से बैठ के काम करते हैं और उनको पता है कि मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं या जिन कंपनीज को मैं अक्वायर कर रहा हूं, पीपल दैट आई एम इन्वेस्टिंग इन, वो सारे के सारे लोग जब मेरे साथ बैठेंगे एक कमरे के अंदर, तब तीन चीजें होंगी. ट्रस्ट बिल्ड होगा क्योंकि मैं सामने बैठा, राइट. दे आर आस्किंग मी क्वेश्चंस, सबके सामने वो आंसर क्वेश्चन मुझसे पूछे, मैं आंसर कर रहा हूं. ट्रस्ट बिल्ड होगा. नंबर टू, फर्स्ट प्रिंसिपल्स दिखेंगे मेरी इन्वेस्टिंग पॉलिसीज के. भाई जब मैं आंसर दूंगा, आप मुझसे सवाल करेंगे, तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल्स दिखेंगे ना साहब साहब, कि वॉरेन बफेट कौन है, ये बुद्धिमान इंसान है या किसी की स्ट्रैटेजी कॉपी कर रहे हैं. जैसे आजकल हमारे यहाँ बहुत सारे यूट्यूबर्स आ गए, एटलीस्ट भारत में तो आ गए, सब एकदम बता रहे हैं मैंने 50 करोड़ बनाए, मैंने 100 करोड़ बनाए, मेरी ये स्ट्रैटेजी, मेरी वो स्ट्रैटेजी, ये सब नॉनसेंस है, सब फंडामेंटल नॉनसेंस है. लेकिन लोग फिर भी पैसा लगा देते हैं. वॉरेन बफेट तो नहीं करते क्या? आज तक वॉरेन बफेट